सो मैं यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट के साथ खड़ा हूँ जो कि अभी जस्ट कुछ मॉक टेस्ट है उनके, जो मॉक टेस्ट दे के आ रहे हैं. तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा कुछ, तो देखते हैं क्या बेसिकली उनकी फीडबैक है. आपका नाम? शालकी. 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 तो शालकी मैम, आपको कैसा लग रहा है ऑफलाइन खुलने के बाद? ऑफलाइन के बाद मैंने पहला टेस्ट दिया है तो मुझे तो अच्छा लग रहा है. तो ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट. ठीक है. तो मैं ये जस्ट पूछना चाहता हूँ कि अभी भी बच्चों को बहुत से डाउट्स हैं कि क्या ऑफलाइन उनको स्टार्ट करना चाहिए, क्या सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं. तो आप यहाँ पे आए तो आपको क्या यहाँ पे सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं? हाँ, सारे सेफ्टी. मुझे सैनिटाइजर दिया गया था, फिर सबने मास्क भी लगाया हुआ था और केसेस भी अब काफ़ी कम हो गए हैं, सो वैक्सीनेशन भी चल रहा है. तो फिर अब ऑफलाइन शुरू होना चाहिए और लोगों को आना चाहिए. तो हमारे व्यूअर्स को बेसिकली ये जानना है कि जो भी दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो क्या वो स्टार्ट कर सकते हैं ऑफलाइन बैचेस? हाँ, ऑफलाइन बैचेस. अब मुझे लगता है कि अब वैक्सीनेशन भी काफ़ी 70 करोड़ के आसपास जा रहा है तो फिर अब होना चाहिए ऑफलाइन स्टार्ट. ऑफलाइन स्टार्ट होना चाहिए. आप किस में कंफर्टेबल है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में? नहीं, ऑफलाइन में. एग्जाम ऑफलाइन होता है तो फिर ऑनलाइन में तो नहीं उतना. तो आप देख सकते हैं कि बच्चे बहुत ही खुश हैं यहाँ पे आके. यहाँ पे इनका मॉक टेस्ट था आज और ऑफलाइन में ही बेसिकली वो चाहते हैं कि क्लासेस हों. तो थैंक यू मैम. थैंक यू.